Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. Hello friends, welcome to my YouTube channel Dev Digital Technology. तो friends जैसा कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपना श्रमिक जो इस समय पे असंगठित मजदूर कल्याण योजना का जो श्रमिक कार्ड है वो आप कैसे निकाल सकते हैं, वो भी बिना आईडी और पासवर्ड के। तो मैं आपको बस आज यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसा कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए और हमें व्हाट्सएप पे भी पूछा गया कि हम कैसे कर सकते हैं, तो आज हम वही बताने वाले हैं कि आप कैसे अपना श्रमिक कार्ड निकाल सकते हैं। अपने जो मुख्यमंत्री सरल बिजली योजना है उसमें भी आप उसको लगा सकते हैं, और वो कहाँ कहाँ आपका पंजीकृत है कैसे निकाल सकते हैं, वो भी अपने फ़ोन से बिना आईडी और पासवर्ड के। तो जैसा कि आपके किसी ब्राउजर में जाके यहाँ पे सर्च करना है जन कल्याण योजना, जन कल्याण पोर्टल, और यहाँ से आपको कर देना है सर्च। फिर आपको जैसे कि यहाँ पे जन कल्याण पोर्टल से आपको चले जाना है, यहाँ जन कल्याण पोर्टल देखने लाना है shramiksewa.mp.gov.in में, और यहाँ आने के बाद आपको आपको सिंपली इस पॉपअप को कैंसिल कर देना है, और इधर से आपको चले जाना है डेस्कटॉप साइट अपना चालू कर लेना है, और यहाँ आने के बाद आपको अब फिर से पॉपअप दिखाई देगा, इसको आपको कैंसिल कर देना है। और फिर आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है थोड़ी सी, और फिर आपको यहाँ पे दिखेगा सत्यापन पंजीकृत डैशबोर्ड, यहाँ पे फिर देखना है आपको श्रमिक के पंजीयन की स्थिति जांचे पे आपको क्लिक कर देना है सिंपली। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा, और इसमें आपको अपनी समग्र आईडी जिसके जिस भी परिवार की आपको पंजीयन निकालना हो उसका आप यहाँ पे समग्र आईडी डाल दीजिए। जैसा कि मैं कोई भी एक समग्र आईडी डाल देता हूँ, तो जैसा कि मैं यहाँ पे अपना समग्र आईडी डाल दिया हूँ, फिर से आपको वही समग्र आईडी दोबारा से यहाँ पे डाल देनी है। दोबारा मैं वही पेस्ट कर देता हूँ, फिर आपके सामने जो कैप्चा कोड है इसे एंटर करना है। तो जैसा कि मैं कैप्चा कोड एंटर कर देता हूँ 9SUK, फिर आपको सदस्य की जानकारी देखे पे आपको क्लिक कर देना है, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कैप्चा कोड दोबारा हमें डालना पड़ेगा, इसे मैं दोबारा डाल देता हूँ J7AQ, और फिर से सदस्य की जानकारी यहाँ पे जो है तो पंजीयन की स्थिति बता दिया, और पंजीयन बता दिया पंजीयन है। तो अब इसे आप प्रिंट भी करा सकते हैं, और अगर आप पूरे सदस्य की जानकारी चाहते हैं तो यहाँ परिवार के सदस्यों की सूची देखे पे आप जब क्लिक करेंगे तो उनके सदस्य की पूरी जानकारी भी ये दिखा देता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसा कि हम इसको कट कर देते हैं, और यहाँ से आप प्रिंट भी करवा सकते हैं या फिर इसको आप सेव करके रख भी सकते हैं। और सबसे इसका ज़रूरी बात जो है, तो आप कैसे जान सकते हैं कि पंजीयन है कि नहीं। अगर आपका पंजीयन है तो जहाँ यहाँ पे आपको दिख रहा है पंजीयन वैध है, और अगर पंजीयन नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पे लिखा रहेगा पंजीयन वैध नहीं है, फिर आवेदन लंबित है। तो जैसा कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा आई होप कि, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा जिससे कि उनकी कुछ मदद हो जाए, और आप यहाँ से पूरा निकाल सकते हैं जानकारी। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एक छोटा सा हमें कमेंट भी कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री।